मेरा नाम है गीता रबारी। आप यहाँ पर आज प्रधानमंत्री से मिलने आई, वो मुलाकात कैसी रही, क्या कुछ बातें? बहुत अच्छी रही, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। और जब मैं छोटी थी तब भी मैं उनसे मिली थी, और तब मैं सिंगर नहीं थी, मैं छोटी थी, मैं स्कूल में गया था, तब सर ने मुझे सुना था और 250 रुपया इनाम दिया था। तब उन्होंने कहा था कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप प्रैक्टिस करना इसमें, तो मैंने प्रैक्टिस की और आज मैं गुजरात की टॉप सिंगर हूँ। अभी मेरा जो सॉन्ग है रोना शर्मा, उसको 25 करोड़ व्यू पूरे हो, तो मैं उनका आशीर्वाद लेने आई। और कुछ खास और बात हुई? यही कि हम मालधारी लोग हैं जो जंगल में रहते थे, तो मेरे पापा को पोस्ट कार्ड मिली थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उन्होंने उस विषय पर मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया, तो मेरी जो लाइफ है उन्होंने सेट की, क्योंकि अगर मैं पढ़ी ना होती तो इस स्टेज पर ना होती। प्रधानमंत्री जी का तो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? उनका जो प्रोजेक्ट था जिससे मैं पढ़ी हूँ, तो अब मैं उनका जो प्रोजेक्ट उसमें आगे बढ़ाऊंगी, जब मैं हमारे समाज की और कई समाज की जो लड़कियां होंगी जिसको प्रॉब्लम होगी फैमिली में, जो पैसे नहीं और वो पढ़ाई नहीं कर सकती, उनको हेल्प करूंगी, क्योंकि उनका जो प्रोजेक्ट है वो आगे चलता। कोई गीत गुजराती का जो पीएम को आपसे डेडिकेट करना चाहती हूँ? जी, मेरा जो यही सॉन्ग है रोना शर्मा, जिसको 25 करोड़ व्यू मिले, तो मैं अभी यही गाऊंगी। मैंने उनको भी यही सुनाया है और मोदी जी के लिए मैंने लिखा था 2017 में, मैं खुद लिखती हूँ, तो यही लिखा था, बहुत अच्छा है। भाई हमें राजी मोदी जी तारा राज मारे, हमें राजी मोदी जी तारा राज मारे, सौ सहमत तो मारी बात मारे, सौ सहमत तो मारी बात मारे, पची वट पड़े छे या वर्ल्ड मारे, पची वट पड़े छे गुजरात मारे। भाई हमें राजी मोदी जी तारा राज मारे, हमें राजी मोदी जी तारा राज मारे, सौ सहमत तो मारी बात मारे, सौ सहमत तो मारी बात मारे, पची वट पड़े छे या वर्ल्ड मारे, पची वट पड़े छे गुजरात मारे। अच्छा, एक चीज और बताइए, मोदी जी गुजरात से बनारस गए, वहाँ पर चुनाव लड़ा, वहाँ से उन्होंने जीत दर्ज की, आपने मुख्यमंत्री के तौर पर भी उनको देखा है, प्रधानमंत्री हैं अब मोदी जी, गुजरात की जो बेटियाँ हैं उनके लिए मोदी जी क्या मायने रखते हैं? हमारे लिए वो हमारे गुरु है, उन्होंने हर बेटी को बहुत सम्मान दिया है, लड़की को पहले तो भेदभाव रखते लड़की लड़का में, और अब वो नहीं है, तो गुजराती हर लड़की उनको पिता समान ही देखते, वो है तो सब लड़कियाँ पढ़ लिख कर अपना जो भी सम्...